गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये कंप्लीट थ्योरी है। आइए डिस्कस करते हैं क्या है आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज बैटरी। बैटरी क्या होती है, बैटरी कितने टाइप्स की होती हैं और उसमें कौन से रिएक्शंस होती हैं। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि बैटरी एक्चुअली होता क्या है। बैटरी दो या दो से अधिक सेल्स को जब हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो उनके ग्रुप से जो बनता है उसी को हम बैटरी कहते हैं। यानी कि एक्चुअली एक बैटरी कई सारे सेल का कम्बिनेशन होता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो बैटरीज होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक बैटरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज, दूसरी बैटरीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। अब देखिए, प्राइमरी बैटरीज का मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट रिचार्जेबल या अनरिचार्जेबल आप कह सकते हैं। जैसे कि रिमोट, जब आप रिमोट की बैटरी देखते हैं, लगाते हैं तो कुछ दिन चलता है, कुछ महीने चलते हैं, कई बार सालों चल सकता है। वो कैब उसकी क्वालिटी और आपके यूज पर डिपेंड करता है। बट एक बार वो बैटरी ख़त्म हो गई तो वापस से उस बैटरी को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप उसको डिस्चार्ज हो गया तो उसको चार्ज करके फिर से यूज कर सके, यानी कि वो रिचार्जेबल नहीं है, आप उसको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। जबकि सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो कि रिचार्जेबल होती हैं, जो कि रिचार्जेबल होती हैं। जैसे कि हाँ, कैमरा, अगर आपके घर पे कैमराज हैं, डिजिटल कैमराज, तो उसके अंदर जो बैटरी लगती हैं दैट इज लिथियम आयन बैटरी होती है वो। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो बैटरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इन्वर्टर में भी मिलती है और आपको कहाँ देखने को मिल सकती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज लिथियम आयन में मिल गई। और हाँ, मोबाइल फ़ोन, आपके स्मार्टफोन्स में भी जो बैटरीज है वो सब क्या है, लिथियम आयन बैटरीज। यानी कि सब सेकेंडरी टाइप की बैटरीज है, सेकेंडरी बैटरीज, सब एक बार डिस्चार्ज होती हैं, आप वापस से चार्ज करते वो चार्ज हो जाती है। क्या होता होगा, ये जो प्राइमरी बैटरीज होंगी इसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कैसी होती होगी, हाँ, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि उस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी पहले से स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक बार ये ख़त्म तो उसकी कहानी ख़त्म, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। जबकि जो सेकेंडरी बैटरीज हैं इन, ये दो तरह से काम करती हैं। कई बार ये आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जैसे कि अभी आपको फ़ोन चार्ज आप मोबाइल में देख रहे हैं, यानी कि इस टाइम पे जो आपके फ़ोन में की बैटरी है वो कौन सा रिएक्शन शो कर रही होगी, दैट विल बी हैपनिंग देयर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या होगा जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, आप उसको बाहर से किसी सोर्स में लगा देंगे, इलेक्ट्रिकल सोर्स में, वो चार्ज होने लगेगी, वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, यस दैट रिएक्शन हैपनिंग देयर वाज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर वहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल रही होगी इलेक्ट्रिक सप्लाई से, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो स्टोर कर लेते हैं, फिर आप यूज करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होता है। यानी कि दो टाइप की बैटरीज होंगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आइए देखते हैं, एनी बैटरी एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। कोई भी बैटरी, बैटरी कहने का मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में ऐड कर देते हैं, ग्रुप में उनका ग्रुप बना देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी। और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। वो कौन सी सेल होती है, गैल्वेनिक सेल, जिसको हम डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। वेयर द केमिकल एनर्जी, जहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाउएवर, जबकि फॉर अ बैटरी टू बी अ प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबली लाइट कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिसिएबली ड्यू टू इट्स ड्यूरिंग इट्स यूज। अब देखिए, ये बात और है कि मुझे जो बैटरी चाहिए उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। पहला, वो ज़्यादा भारी ना हो, यानी कि थोड़ी सी हल्का हो। दूसरा, कॉम्पैक्ट, अब इतना जगह ना घेर ले कि पूरा एक रूम मुझे सिर्फ बैटरी रखने के लिए जगह चाहिए, यानी कि जगह कम घेरता हो। जैसे कि हम लैपटॉप क्यों यूज करते हैं,
हाँ, क्योंकि जो डेस्कटॉप थे उनमें बैटरी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़, वो उनको लेके जाना कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना, वो इजी नहीं होता। आप अपने लैपी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, यानी कि आपका लैपी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, किसी बैग में आप रख सकते हैं। जबकि जब आपके डेस्कटॉप होते थे आप उनको नहीं रख पाते, तो आपकी बैटरी में भी ये फीचर थोड़ी सी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसके जो वोल्टेज है वो थोड़ा बहुत तो कम होगा, जैसे डिस्चार्ज होगी तो थोड़ी बहुत उसकी वोल्टेज कम होगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा कम ना हो कि चलते चलते बीच में ही चीज़ें रुकने लगे। हाँ, यानी कि जब आपकी बैटरी फुल हो तो क्या होता है, आप अपने फ़ोन से कोई भी वीडियो चलाना हो, कुछ भी करना हो, आप सब काम कर लेते हैं। लेकिन जब वो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, 70% आती है, तो तब भी आप सारे काम कर पाते हैं या नहीं? हाँ, काम तो अभी भी आप पूरा कर पाते हैं, फिर वो घटते घटते कितनी आती है, 60, 50, 40, 30 होता रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद 10%, 5% या ऐसे करके कुछ एक लिमिट होती है हर एक फ़ोन की, वहाँ पे आने के बाद अब आपकी फ़ोन हर काम करना बंद कर देती है, यानी कि वो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो आपके चल रहे होते हैं उसको रोक देती है, और सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी फीचर्स हैं, वो उसी को अलाउ करती हैं। अब सोचिए कि 100% पे तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहा होगा, 50% पे सिर्फ आधी रही होगी। तो यहाँ जो काम कर रहा था, अगर मान लीजिए यहाँ 10 सॉफ्टवेयर काम कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 ही सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे बैटरी घट रही होगी वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी कम हो रही होगी, नहीं, वो बहुत ही कम अमाउंट में घटती है, यानी कि काम आपका लगातार होता रहे। यानी कि आप ऐसी बैटरी लेंगे जो कि अगर डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि उसके डिस्चार्ज होने से उसके वर्किंग फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। ये भी एक गुड क्वालिटी ऑफ बैटरी है, यानी कि जो हम बैटरी लेते हैं हमें उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। बैटरीज जनरली कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो हम नहीं बताएंगे, आप खुद से जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगेंगे आप अपने आप उसको नोट करेंगे। इन द प्राइमरी बैटरीज, हाँ, एक तो होगी प्राइमरी बैटरीज, दूसरी होती हैं सेकेंडरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज की अगर हम बात करें, द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, तो वहाँ पर सिर्फ एक बार रिएक्शन होती है, और आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन। एक बार उसकी बैटरी कम्प्लीटली यूज हो गई तब दोबारा उसको चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज द ड्राई सेल। अगर आपको प्राइमरी बैटरी का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं ड्राई सेल की, जो टॉर्च में या फिर आपके घर पे जो रिमोट वगैरह हैं उसमें लगती हैं। इस ड्राई सेल को हम लेक लॉन्चे सेल भी कहते हैं। अब लेक लॉन्चे सेल क्यों कहते होंगे? हाँ, इतनी समझ तो आपके अंदर आई गई होगी, क्योंकि लेक लॉन्चे वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। ड्राई सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए हम ड्राई सेल को लेक लॉन्चे सेल भी कहते हैं। विच इज कॉमनली, सॉरी यहाँ पे एक चीज मिसिंग है ना, आप उसको यूज यहाँ पे टर्म्स को ऐड कर लेंगे, यूज विच इज कॉमनली यूज इन ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एंड क्लॉक्स, यानी कि रेडियो हो, क्लॉक्स हो, रिमोट्स हो, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज किए जाते हैं। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर डेट ऑल्सो एक्स एज एनोड एंड द कैथोड इज अ कार्बन ग्रेफाइट रॉड। अब हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये जो आपको बाहर से हार्ड लेयर मेटल का दिखता है, ये किसका बना होता है? जिंक का। किसका बना होता है? जिंक का, जो कि नेगेटिव प्लेट यानी कि एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह। जबकि जब भी आप बैटरी को खोले होंगे, बचपन में लगभग सब लोग करते हैं, हो सकता है आपने ना किया हो, नहीं किया होगा तो भी आपको पता होगा कि बैटरी के अंदर एक रॉड पाई जाती है। हाँ, वो रॉड किसकी होती है? कार्बन की। एक्चुअली वो ग्राफाइट होता है। क्या होता है वो? ग्राफाइट। और ग्राफाइट क्या है? इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का ही बनता है ग्राफाइट। तो ये किसी तरह काम करता है? एज अ कैथोड। अब देखिए, दैट इज सराउंडेड बाई मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, जो कि किससे सराउंडेड होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2+। उसको चारों तरफ से, ये जो आपको एरिया दिख रहा है
ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि किसे बना है, ग्रेफाइट से एज ए कैथोड काम करता है। ये हमारा जिंक है जो कि एज एन एनोड काम करता है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसके चारों तरफ जो भरा गया रहता है पाउडर टाइप का, वो होता है हमारा MnO2+, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड, राइट। अब देखिए, अगर आप अपनी बैटरी कभी देखे होंगे तो ऊपर और नीचे नीचे कुछ स्टील टाइप का देखने को आपको मिलता है। एक्चुअली वो स्टील नहीं होता, वो उसकी तरह दिखता है, वो होता है जिंक। क्या होता है वो? जिंक, जो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। आइए नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा उसके आगे। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाई अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड द जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब इसके बीच का जो ज़्यादातर हिस्सा खाली होगा, इसके भरने के बाद जो ज़्यादातर हिस्सा खाली होगा, उसमें हम एक पेस्ट बना के भरते हैं। पेस्ट का मतलब मिक्सचर, किसका? अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का, यानी NH4Cl और ZnCl2 का एक मिक्सचर का पेस्ट बनाते हैं और उसको हम फिल कर देते हैं। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटेन अप्रॉक्सीमेटली एज। इनके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट आप उसको लगभग लगभग लिख सकते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन आपके सामने दी गई है, दैट इज नॉट द एक्चुअल 100% रिएक्शन, वो 100% करेक्ट रिएक्शन नहीं है, ये लगभग लगभग उसी के आसपास है। मतलब कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर इससे भी काम चलाया जा सकता है। तो देखिए क्या होता होगा, एनोड पे जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये तो सबको पता है कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में। अब कैथोड पे क्या होगा फिर? हाँ, कैथोड पे रिडक्शन होगा, यानी कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड था MnO2+, ये अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, दैट मेक्स MnOOH। क्या बनाएगा? MnOOH, और वहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है वहाँ से? अमोनिया गैस। ये है इसका रिएक्शन। अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहें तब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आपको, अगर हम इसे कंप्लीट रिएक्शन लिख के दिखाएं आपको, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल की तरफ काम करता है, तो बताइए एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड किससे बना आपका? जिंक का। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हो गया आपका एनोड रिएक्शन। अब आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 दैट रिएक्ट्स विद अमोनियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है और क्या कन्वर्ट होकर बनाता है, दैट बिकम्स MnOOH प्लस अमोनिया गैस। वो ये कंप्लीट रिएक्शन के फॉर्म में शो करता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखिए मैग्नीज, यहाँ भी मैग्नीज है ना, हम मैग्नीज पे फोकस करते हैं। अगर आप यहाँ मैग्नीज पे इसके चार्ज निकालें तो देखिए कितना आएगा, +4 आएगा। क्या ऑक्सीजन के एक एटम पे -2, तो 2 एटम है तो यानी कि -4 हो गया, इस पर +4 होगा। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन पे कितना -2 और हाइड्रोक्साइड आयन पे कितना -1, यानी कि -3, तो मैग्नीज पे कितना हो गया +3। यहाँ +4 था, यहाँ +3 था, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब मुझे अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए मुझे पहले इनके नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को बैलेंस करना होगा। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। फिर क्या करिए, सबको ऐड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, जिंक प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NH4+, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा आपका, Zn2+ प्लस 2
MnOOH एंड 2NH3। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होती है, वहाँ पर अमोनिया गैस रिलीज हो रही होती है। आइए देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्या दिया है, इन द रिएक्शन एट कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3, अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन टू गिव ZnNH3 फोर टाइम्स ऑफ 2+। ये जो अमोनिया गैस होती है वो क्या करती है, इस जिंक आयन से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, राइट। द सेल हैज अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट, और ये जो सेल होता है उसकी अगर आपको सेल पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो वैल्यू कितनी आती है, 1.5 वोल्ट आती है। नेक्स्ट हमारा मरकरी सेल, ये तो हमने ड्राई सेल पूरा देख लिया, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मरकरी सेल। इन फिगर 3.9 आपको आगे दिखाया जाएगा, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स। आपने देखा होगा कई सारे लोग जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी कि उनको कम सुनाई पड़ता है, तो वो अपने कान में एक डिवाइस यूज करते हैं, लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं हियरिंग एड्स। एड्स का मतलब सपोर्ट, सुनने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हियरिंग एड्स। वॉचेस, जो घड़ी वगैरह होती हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो कई बार आपने ऐसी बैटरी भी देखी होंगी, हाँ छोटी सी, ये जो घड़ी वगैरह होती है ना, रिस्ट वॉच वगैरह, उसके अंदर लगाई जाती है, राइट, उसी को हम बोलते हैं मरकरी सेल। सो देखिए, कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम, तो उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें क्या यूज होता है, उसमें जिंक मरकरी का अमलगम यूज करते हैं, जैसे कि एनोड पे, और पेस्ट ऑफ HGO एंड कार्बन एज द कैथोड, वहाँ पे जिंक और मरकरी का अमलगम एनोड के तरफ यूज किया जाता है, और HGO और कार्बन का मिक्सचर कहाँ पे यूज करते हैं हम, कैथोड पे। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, दैट इज अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल्स आर गिवन बिलो, अगर हम उनके रिएक्शन की बात करें तो ये है हमारा एनोड का रिएक्शन और ये होता है हमारा कैथोड का रिएक्शन। आप बिल्कुल टेंस ना लें, ये कंप्लीट थ्योरी है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको याद रखनी ही होगी। देखिए ये है उसका डायग्राम, द ओवरऑल रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई ZnHg। अगर हम आपको ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, देखिए ZnHg plus HgO reacts and gives us zinc oxide and Hg। ध्यान रहे इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, तो आपको इसमें कुछ सिखाया नहीं जा सकता, आपको इसका नेट सेल रिएक्शन या जो भी एनोड या कैथोड रिएक्शन है आपको उसे याद ही रखना होगा। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट, अगर हम इनकी सेल पोटेंशियल की बात करें तो कितनी होती है, लगभग 1.35 वोल्ट होती है, एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन, व्हिच कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। और ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक इसका सेल पोटेंशियल 1.35 ही रहेगा, यानी कि जब आप खरीद के लेके आएंगे तो भी सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट, उसके 10 दिन बाद भी 1.35 वोल्ट, और एक ही बार, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी उसकी डेट कंडीशन आ जाएगी, तब उसकी सेल पोटेंशियल सीधे जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले 1.35 हो, फिर 1.34 हो, 1.33 हो, ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई आयंस नहीं होता, कोई सॉल्यूशन फिल नहीं होता, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बदले, और जब तक कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा तब तक सेल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए अब हम बात करते जा रहे हैं सेकेंडरी बैटरी की, प्राइमरी बैटरी खत्म हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी बैटरीज। अ सेकेंडरी सेल
आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग करेंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज अगेन। जो भी सेकेंडरी सेल्स होती हैं वो एक बार डिस्चार्ज हो गई तो आप उसको दोबारा से रिएक्शन को उल्टी कराकर चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। अगर आप एक अच्छे क्वालिटी के सेकेंडरी सेल की बात करें तो कईयों बार वो चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आप हमेशा डेली उसको चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी। अगर हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल की बात करें तो वो कौन होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है जो इन्वर्टर वगैरह के साथ हम यूज करते हैं। ओके, इट इज कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ये इन्वर्टर पे हमें आराम से दिख जाती है, ये कार वगैरह, कार बस में भी इसका यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। इसमें लेड का हम एनोड बनाते हैं और लेड के डाइऑक्साइड का हम कैथोड बनाते हैं। और 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एन इलेक्ट्रोलाइट। हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसको अगर गांव के लैंग्वेज में कहें या फिर हमारे जनरल टर्म्स में कहें तो लोग घर पर क्या कहते हैं, पानी। वो कहते हैं कि बैटरी में पानी डालना है या बैटरी का पानी कहते हैं। एक्चुअली वो ना बैटरी, वो पानी है, उसको हम डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। वो एक्चुअली डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि हम अपने बैटरी में डालते हैं। कई बार होता है जब आपकी बैटरी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी कोई जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है, तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि उस बैटरी का पानी कम हो गया होगा डालना है, यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अमाउंट कम हो गई है, हमें फिर से उसको डालना पड़ेगा। द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर गिवन बेलो। जब आपकी बैटरी यूज हो रही होती है यानी कि डिस्चार्ज हो रही होती है, उस टाइम पर रिएक्शन जो होता है वो ये लिखा हुआ है, एनोड पे लेड रिएक्ट्स विद सल्फेट आयन एंड गिव्स अस लेड सल्फेट। दूसरा, कैथोड पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, लेड सल्फेट और वाटर। क्लियर है, ध्यान से देखिए, जब आपको डिस्चार्ज हो रहा होगा बैटरी, यानी कि चार्ज नहीं डिस्चार्ज, यानी कि आप बैटरी को यूज कर रहे होते हैं, तो पहला एनोड पे तो लेड रहता है, लेड सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, लेड सल्फेट। जबकि कैथोड तो लेड ऑक्साइड का बना रहता है, तो वो लेड ऑक्साइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और वो क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है। ये एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए यहाँ पे H+ लगा के इसको बैलेंस किया गया है। अब ये सब बैलेंस करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। दैट इज ओवरऑल सेल रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कैथोड एंड एनोड रिएक्शन इज। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस टू टाइम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस टू टाइम्स ऑफ लेड सल्फेट प्लस टू टाइम्स ऑफ वाटर। हाँ, आप दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखेंगे ना, आपको दो सल्फेट आयन मिलने चाहिए थे, लेकिन वो दो सल्फेट आयन चार हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयन से रिएक्ट करके वो दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे और प्रोडक्ट में हमें क्या देते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड सल्फेट और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। जब आप चार्ज करते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज टाइम पे तो आपकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन जब आप चार्ज करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगती है, केमिकल में, यानी कि रिएक्शन अपोजिट होती है। तो उस केस में लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, यही रिएक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, रिएक्टेंट में, और ये कहाँ चले जाएंगे, आपके प्रोडक्ट में, इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। और इस तरह से आपका लेड सल्फेट फिर किस में कन्वर्ट होने लगता है, लेड और लेड ऑक्साइड में। फिर जब आप उसको यूज करते हैं तो लेड और लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होने लगता है, लेड सल्फेट में। ये इसका डायग्राम, ये हमारा एनोड, दिस इज आवर कैथोड,
दिस इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे नेगेटिव प्लेट्स जो कि एनोड है, ध्यान से देखिए ब्लू वाला है ना एनोड, यानी कि नेगेटिव प्लेट है, और ये येलो कलर वाला हमारा क्या है कैथोड। ये येलो कलर नहीं है, दिस वन इज लाइट ब्राउन कलर, जो भी कलर हो कलर आप देख लीजिएगा। ये एक्स कलर का है, ये देखिए यहाँ पे जो प्लेट है ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है जो कि किससे बनाया है लेड ऑक्साइड से, क्लियर है। चलिए तो डायग्राम वगैरह आप बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अनदर इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल। अगर हम दूसरी सेकेंडरी इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल की बात करें तो उसका नाम है निकल कैडमियम सेल, और ये सेल आपको कैमरा वगैरह में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बैटरी की तरह ही होता है, लेकिन ये रिचार्जेबल होते हैं। विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दिस इज मोर गुड एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, लेकिन इसको बनाने में खर्चे बहुत जाते आते हैं, ये महंगा बहुत होता है, इसलिए लोग इसको कम से कम यूज करते हैं। वी शैल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हम इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग है इसके डिटेल्स में नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज इज, डिस्चार्ज का ओवरऑल रिएक्शन दे दिया है जो कि आपको याद रखना होगा, आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये है इसका रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई थर्मल प्लांट्स इज नॉट इफिशियंट मेथड एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं तो कई बार हम थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसमें हम हीट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। वो ज़्यादा इफिशियंट मेथड नहीं है, यानी कि उससे जो हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो जितनी मिलनी चाहिए उससे कम होती है। दूसरी चीज, इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलता है। इन सच प्लांट्स, प्लांट्स मतलब फैक्ट्रीज, द केमिकल एनर्जी यानी कि हीट ऑफ कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल से, गैस से या ऑयल से निकलने वाले फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, इज फर्स्ट यूज फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। उसमें क्या होता है, पहले वाटर को वेपर बनाया जाता है, क्योंकि वेपर होगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। अब उस वेपर प्रेशर की हेल्प से टर्बाइंस को चलाया जाता है। जैसे कि आपके घर पे फैंस होती हैं, उसमें ढेर सारे ब्लेड्स लगी होती हैं, वैसे ही टर्बाइंस होते हैं। अब पहले तो आप हीट की हेल्प से वाटर को स्टीम बनाते हैं, क्योंकि स्टीम बन गया वेपर तो वेपर का वेपर प्रेशर बनेगा। उस वेपर, हाई वेपर प्रेशर की हेल्प से इसको रोटेट कराया जाता है। जब ये फास्ट रोटेट करने लगता है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी। या अच्छा होगा अगर हम ज़्यादा अच्छा कहना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है हम उसको शाफ्ट से रोटर को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंजन वगैरह को लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जितना आसान आपको दिख रहा है एक्चुअली इतना आसान नहीं होता, बट हाँ प्रोसेस यही है। आप पहले हीट करेंगे, हीट से वाटर का वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से टर्बाइंस को रोटेट करेगा। इस टर्बाइन के रोटेट करने से इसको हम शाफ्ट से जनरेटर वगैरह की हेल्प से जोड़ देते हैं, वो शाफ्ट चलेगा। उस शाफ्ट के अंदर हम एक कन्वर्टर लगाते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वहाँ से हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है एक कंप्लीट प्रोसेस। देखिए आगे क्या दिया है, दिस इज देन यूज टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम वहाँ पर टर्बाइन को रोटेट कराते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वी नो डैट अ गल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इज हाईली एफिशिएंट। अगर हम इसकी तुलना किससे करें, गल्वेनिक सेल से, तो गल्वेनिक सेल इज 100 टाइम्स बेटर दैन थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि वो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें पहले केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हाँ आपके टर्बाइंस के रोटेशन में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच द रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूअसली टू द इलेक्ट्रोड्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट। अब हम इसको और भी इम्प्रूव कर रहे हैं जिससे कि रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स है वो लगातार होती रहें और प्रोडक्ट पर जो भी गैस बन रही हो, जनरली तो हमने देखा था पीछे अमोनिया गैस बन रही थी या कोई भी और प्रोडक्ट बन रहा है, हम उसको वहाँ से कंपार्टमेंट की हेल्प से हटा भी सकते हैं। गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन मीथेन एंड मिथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। अब ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनका हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट कम्बस्टन एनर्जी को या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाने के लिए, उनको हम फ्यूल सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको हाइड्रोजन मिथेन मिथेनॉल वगैरह दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स, अगर हम उनमें से सबसे यूजफुल अगर सक्सेसफुल रिएक्शन शो करने वाले फ्यूल सेल की बात करें तो उसका रिएक्शन है हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। द सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। हाँ, ये हमारे साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम से रिलेट करता है जो कि स्पेस रिलेटेड इन्वेंशंस वगैरह करते हैं। जब वो स्पेस में जाते हैं अगर उनको पानी पीना है तो उनका एक अलग ही कॉस्ट्यूम होता है जो कि वो निकाल के बाहर से पानी नहीं पी सकते, तो क्या करते हैं अपने उसी कॉस्ट्यूम के अंदर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराते हैं, वाटर फॉर्म होता है और उसी वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं। द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट। फिर वहाँ पे जो वाटर वेपर होते हैं उनके रिएक्शन कराया जाता है, उनको ठंडा कराया जाता है और उस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके बॉडी के अंदर यानी कि पानी के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अगर हम सेल की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स पोरस होते हैं। पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, स्किन है, वो भी पोरस है। अगर आप मटके को देखिए वो भी पोरस होता है। अगर आप लिप्स की बात करें तो उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा वगैरह कहते हैं, राइट। तो उसी तरह से सेल्स में भी पोरस होता है यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसी हेल्प से हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो भी उसमें जनरेट होता है प्रोडक्ट पे वो क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है, राइट। कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और फिर वो कहाँ पे उसको हम बाहर ला के सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से मिक्स करा देते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। सो कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल। कैटलिस्ट के फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, किसके, प्लेटिनम के या पैलेडियम मेटल के। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स, हम उनको मिक्स करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। ऐसे इसलिए करते हैं दैट इज वाई फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ताकि जो इलेक्ट्रोड में रिएक्शंस हो रही हैं चाहे वो एनोड पे या कैथोड पे वो रिएक्शन फास्ट होती रहे। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर गिवन बिलो, जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस हैं वो आपको नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए ओवरऑल रिएक्शन, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन होता है जो कि आपको याद भी है और आपको अच्छे से पता भी है। नेक्स्ट है द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। इसमें जो सेल है वो हमेशा काम करते रहते हैं जब तक कि रिएक्टेंट्स जितना चाहिए उतना आप उसको सप्लाई करते रहते हैं। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विथ एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%। अगर हम 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहें, राइट, तो मुझे सिर्फ 40 वाट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है थर्मल पावर प्लांट से, जबकि अगर मैं फ्यूल सेल्स की बात करूं तो वहां पे मुझे 70 वाट तक एनर्जी मिल जाती है। तो बताइए कौन ज़्यादा अच्छा है, फिर तो जाहिर सी बात है फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट एंड दे आर मोर गुड। देयर हैज बिन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स। अगर आप
न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल्स के डेवलपमेंट में देखें तो वहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ट्रिमेंडस मीन्स इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। बेटर कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स। फिर अब अलग अलग क्वालिटी के बढ़िया से बढ़िया कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए जा रहे हैं ताकि फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी 70% से बढ़ा के और ज़्यादा तक ली जा सके। दिज हैव बिन यूज इन ऑटोमोबाइल्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अभी तो इनको हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादातर कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि कार्स में, बसेस में। फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री, एक तो ये पॉल्यूशन फ्री है, एंड इन व्यू ऑफ देयर फ्यूचर इंपॉर्टेंस अ वेराइटी ऑफ फ्यूल सेल्स हैव बिन फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे अलग अलग टाइप के फ्यूल सेल्स को बनाया जा रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हमें बेहतर से बेहतर फ्यूल सेल्स मिल जाए। इस तरह से हमारा बैटरी टॉपिक भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन स्लोली कोट्स द सर्फेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विथ ऑक्साइड्स और अदर सॉर्ट्स ऑफ मेटल। एक्चुअली कोरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल का जो सरफेस है ऊपर का आउटर सरफेस, उस पर ऑक्साइड या कोई भी सॉल्ट का एक नया लेयर बन जाता है और वो लेयर क्या करता है, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि जंग लगना, द रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। अलग अलग मेटल्स का कलर बदल जाता है, उस पर जंग लग जाते हैं, ये सब कुछ ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। इट कॉजेस इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दैट ऑफ आयरन। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, इनॉर्मस मीन्स इन अ ग्रेट अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, शिप्स को, या फिर और भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि मेटल्स की बनी होती हैं या स्पेशली वो आयरन की बनी होती हैं। वी लूज करोड़्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। हम कोरोजन से बचने के लिए करोड़ों रुपये हर साल खर्च करते हैं। हम के मतलब सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, एक पूरे कंट्री, पूरे स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि ढेर सारे ब्रिजेस हैं। आप देखते हैं सारे ब्रिजेस को पेंट किया जाता है। पेंट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जब बारिश हो या फिर ह्यूमिडिटी हो तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो डायरेक्ट आपके मेटल से कॉन्टैक्ट ना कर पाए, उसे रिएक्शन ना कर पाए। इन कोरोजन, एक्चुअली कोरोजन में क्या होता है, अ मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। क्या होता है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड्स। कोरोजन ऑफ आयरन, कॉमनली नोन एज रस्टिंग। अगर हम आयरन के कोरोजन की बात करें, जिसको हम जंग लगना कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं, डैट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में ही होता है। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। हाँ, कोरोजन का जो केमिस्ट्री है उसकी पूरी कॉन्सेप्ट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट मे बी कंसिडर इसेंशली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट एट फिगर 3.13 ये है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट वी हैव एज एनोड एंड वी कैन राइट द रिएक्शन। अगर आप देखेंगे तो इस मेटल पे जब ये वाटर का मॉलिक्यूल आके यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये एनोड रिएक्शन शो करने लगता है। क्यों एनोड रिएक्शन शो कर रहा होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि रस्टिंग में क्या होता है, यस, ऑक्सीडाइज होने लगता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन हैपेंस एट एनोड, तो वो उस पॉइंट पे एनोड बनाते हैं और वहाँ पर रिएक्शन शो करते हैं। अगर आप उस रिएक्शन को लिखना चाहें तो ये है उसका एनोड हाफ सेल रिएक्शन। देखिए आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में। अब देखिए यहाँ पे दो आयरन एटम थे और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4+4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, राइट, यानी कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करें तो वैल्यू आपको दिया गया है, और ये कौन सी वैल्यू है आपकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपको, दैट इज -0.44 वोल्ट।
अब देखिए ऑक्सीडेशन आपको दिया है, ऑक्सीडेशन पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज Fe2+ विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन हो रहा होगा और वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर दे दिया गया है दोनों का कंबाइंड फॉर्म में। ये हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शंस वगैरह आपको रखनी होंगी, याद रखनी होंगी, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट। जहाँ पे एनोड स्पॉट बना है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है राइट थ्रू द मेटल एंड मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल, फिर वो दूसरे स्पॉट उसी मेटल के दूसरे स्पॉट पे पहुंच जाता है एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H+ विच इज बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर। फिर वहाँ पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे उसके H+ से रिएक्शन करके ऐसा माना जाता है कि वो क्या बनाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करता है, वो कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। हाइड्रोजन आयन इन वाटर में आल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर। अब ये जो H+ आयन्स हैं ये आपको बाहर एटमोस्फेयर से भी देखने को मिल सकते हैं। दिस स्पोर्ट्स बिहेव्स एज अ कैथोड, और ये जो स्पोर्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कैथोड की तरह काम करने लगते हैं। ये है इसका रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन ऑफ कैथोड। यहाँ पर आपका ऊपर एनोड रिएक्शन लिखा गया था और ये है उसका टोटल ओवरऑल रिएक्शन। कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट। आइए, द फेरस आयन्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाई एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन्स विच कम्स आउट एज द रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी जो फेरस आयन्स होते हैं यानी कि Fe2+ आयन्स हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेरिक आयन्स राइट, और दे कम आउट एज द रस्ट, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रस्ट यानी जंग में, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3.XH2O एंड विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, और इससे हाइड्रोजन आयन्स भी रिलीज होती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। अगर आप कोरोजन बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ओनली सेविंग मनी बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। इससे सिर्फ पैसे नहीं बचते, यानी कि आपके जो बिल्डिंग्स हैं या फिर जो मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जो खराब होंगी वही सिर्फ सेफ नहीं होती है बल्कि ये एक्सीडेंट्स को रोकने में भी काम आता है। जैसे कि ब्रिज लोहे का बना है, अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो रस्टेड होगा, रस्टेड होने के बाद डैमेज होता जाएगा और एक टाइम के बाद ब्रिज टूट सकता है। ब्रिज के टूटने से बहुत सारे नुकसान होंगे, बहुत सारे लॉस हो सकते हैं राइट। जस्ट लाइक ब्रिज कोलैप्स, कई बार पुल टूट जाती हैं और फेलियर ऑफ ए की कंपोनेंट ड्यू टू कोरोजन। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सर्फेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफेयर। हमें ये चीज़ पता है कि ये कोरोजन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटल का बाहरी सरफेस बाहर के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन कर रहा है। अगर मैं मेटल के ऊपर वाले सरफेस को कुछ इस तरह से रखूं को बाहर के साथ आने वाले ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो रिएक्शन ना कर पाए तो कोरोजन नहीं होगा। उसके लिए सबसे बेसिक सा काम जो होता है वो क्या करते हैं, हम लोग पेंट कर देते हैं राइट। दिस कैन बी डन बाई कवरिंग द सर्फेस विथ पेंट और बाई सम केमिकल्स। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अब अगर बहुत ही महंगी चीज़ है आपका, एकदम आप नहीं चाहते कि वो ख़राब हो, तो उसके लिए आप 20-फेनॉल भी यूज कर सकते हैं। अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स। कई बार क्या होता है, हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल के लेयर चढ़ा देते हैं जो कि कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि मैग्नीज हम क्या लगा लेते हैं, टीन या जिंक। कई बार आपने देखा होगा जो सीप होती है, सीप पानी में चलने वाली सीप, वो जो सीप है वो पूरा जिंक की कोटेड होती है, यानी कि पहले बनाई जाती है आयरन वगैरह की, फिर उसके ऊपर
हम जिंक का एक नया कवर चढ़ा देते हैं ताकि वो पानी में ही हमेशा उसको रहना है, एटमोसफेयर से ऑक्सीजन मिलना है, तो ज़्यादा रस्टेड होने के चांसेस होते हैं। अब क्योंकि जिंक बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है इसलिए उसकी रस्टिंग बहुत कम हो जाती है, तो कई बार एक मेटल के ऊपर दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल का भी लेयर चढ़ा दिया जाता है जिससे कि कोरोजन कम हो जाए। डेट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से क्योंकि वो इनर्ट होते हैं या फिर बहुत कम रिएक्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट का कोरोजन नहीं होता है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा विच कोरोड्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब अब जिंक, मैग्नीशियम इन सब पे इलेक्ट्रोड बना के यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि खुद तो कोरोड हो जाते हैं, यानी खुद डैमेज हो जाएंगे लेकिन अपने अंदर जिसको ये बचाने के लिए लगाए गए हैं ये उसको कोरोड होने से बचा लेते हैं, और ये जब खुद ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको निकाल के फिर दूसरा इलेक्ट्रोड वहाँ पर यूज कर लेते हैं या फिर दूसरी कोटिंग चढ़ा देते हैं ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमें उम्मीद है आपको 70-80% चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ था क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से टोटली रिलेट करता था। अब जब भी आपको फ्यूचर में अगर टाइम मिले तो आप एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे मुझे भरोसा है आप 95% से ज़्यादा चीज़ें आराम से समझ जाएंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम इसे एक्सरसाइजेस वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम नया फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।